अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरी अम्मी बना रही हैं चिकन वेजिटेबल राइस। मैं आपसे ये रेसिपी कंप्लीट शेयर करूंगी, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। हाँ जी, ये हमने लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव शिमला मिर्च, उन्हें बारीक बारीक काट लिए हैं और साथ में गाजरें भी तकरीबन इतनी ही मकदार में लेके काट लिए हैं। चिकन को हमने बॉयल कर लिया था और उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए। अच्छा, चिकन की यखनी बनाते वक्त मैंने इसमें काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया था, तकरीबन एक एक चम्मच, खाने का एक एक चम्मच डाला था। इसके बाद हमने ये मटर लिए हैं तकरीबन आधा किलो, जिसे मटर निकालने के बाद तकरीबन 1.5 पाव मटर के दाने हमारे पास हैं, और बंद गोभी का एक छोटा फूल लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक काट दिया है। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, और टमाटर तकरीबन 2 से 3 अदद, और सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद, और मैंने तकरीबन 1.5 किलो चावल लिए हैं जिन्हें मैंने पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 पाव ऑयल लिया है, और इसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। इसको हम थोड़ी देर कड़कड़ाएंगे जब तक ये भुन ना जाए। इसके बाद इसमें हम तकरीबन 2 से 3 अदद टमाटर जो हमारे पास कटे हुए मौजूद हैं वो हम इसमें डाल देंगे, साथ ही इसमें हम सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। इसको थोड़ी देर ही भूनेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम मटर डालेंगे, इसको थोड़ी देर धीमी आंच पे भूनेंगे मटरों को। अब इसमें हम गाजरें सिर्फ डालेंगे, मटर के बाद सेकंड नंबर पे हमने गाजरें डाली। इसको थोड़ा सा नरम करने के बाद ही हम इसमें बाकी की सब्जियां डालते जाएंगे। अब हमने शिमला मिर्च इसमें डाल दी है, शिमला मिर्च वैसे ही बहुत नरम होती है। ये एक पीस बहुत बड़ा निकल आया है, ये मेरी बेटी ने छोड़ दिया, बीच में कटिंग नहीं की, ये हमेशा ही ऐसे करती है। अब इसमें हमने काली मिर्चें डाली हैं तकरीबन 1 चम्मच, खाने का 1 चम्मच, और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच हमने नमक डाला है, या हसबे जायका आप समझ सकते हैं। अब इसको, क्योंकि इसमें और बाकी मसाला जात नहीं होंगे, सिर्फ काली मिर्चें ही होंगी, अब इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका, और तकरीबन इतनी ही मकदार में 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसमें यखनी डाल देंगे जिसमें हमने गोश्त को बॉईल किया था, उस पानी को हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये तकरीबन 1.5 किलो चावलों में हमने 2 किलो पानी डाला है। अब इसमें हमने चावल निथार के और डाल दिए हैं यखनी के अंदर। अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, बॉयल चिकन और बंद गोभी, जो हम इसका पानी खुश्क होने के बाद में डालेंगे।
अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसका ये थोड़ा पक ले, इसका पानी खुश्क हो। ये अब तकरीबन पानी खुश्क होने को है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, चिकन जो हमने छोटे छोटे पीस कर रखे थे वो, और बंद गोभी। इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे डाल के और चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस ये ख्याल रहे कि चावल टूटने ना पाए, इनको कफगीर से अच्छे से मिक्स करने के बाद दम पे लगा दें। दम तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक, 10 से 15 मिनट इसका दम होगा। अब हमारे चावल तैयार हैं बिल्कुल, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जी तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।